ऐसे लापरवाह ड्राइवर का तो लाइसेंस जब्त कर लेना चाहिए। लगता है मेरी तारीफ हो रही है। क्या बोल रहे थे तुम? अपनी बात तो पूरी करो। केयरलेस ड्राइवर, मेरा लाइसेंस जब्त हो जाना चाहिए। जा जा, लड़की के सामने हीरोगिरी कर रहा है। शक्ल से तो विलन लगते हो, खुद को हीरो समझते हो क्या? और ये क्या है, ये एटीट्यूड किसी और को दिखाना? मुझे नहीं डर लगता इसी खामोशी से। और घूर क्या रहा है, एक गुस्सेल आंखें नीचे कर, समझा? समझा या भी और समझाऊं? शट अप, बात करना बंद कर वरना दूंगा कान के नीचे खींच के। तू मेरे कान के नीचे देगा? हाँ, हिम्मत है? हाथ उठा के दिखा। एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दिया ना, देख फिर। ये बकवास करना बंद कर वरना। वरना क्या, क्या करेगा? हाँ वरना क्या, कुछ नहीं, जो करना था वो तो तू कर चुका। तू कभी नहीं सुधरेगा चिंटू। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जानते हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से जानते हैं। या, ये एक्चुअली मेरी मौसी का बेटा है अभिमन्यु, ये मुझे जानते हैं। ओ, मीनू मावशी। वाह भाई, इन्हें तो सब पता है। आई हमेशा उनके बारे में बात करती है इसलिए। आई? विभा मौशी आपकी आई कब से बन गई? वो अभी वो नैना काका के यहाँ पेइंग गेस्ट है ना, तो इसलिए। ओ, पेइंग गेस्ट। तू कभी नहीं सुधरेगा, तुझे कितनी बार मैंने कहा है, लेकिन तू अभी भी गाड़ी लापरवाही से चलाता है। ध्यान से चलाया करना, अगर नैना को कुछ हो जाता तो। अब तू शुरू मत हो जा। अब वैसे भी नैना मुझे माफ कर चुकी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुझसे तो बात करना ही बेकार है, तू कभी किसी की बात को सीरियसली ले ही नहीं सकता। छोड़, जिंदगी बहुत छोटी है यार, इसे इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है वकील साहब। चलिए छोड़ रही, बता कि तू यहां कर्जत में क्या कर रहा है? मैं वो एक्चुअली मेरी एक मीटिंग थी तो उसके लिए आया था। और तू? मैं तो मुंबई जा रहा था। और एक्सक्यूज मी, कैसी हैं आप? ठीक हूं। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? हाँ, अभी तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन हम इन्हें अगले 12 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो कल सुबह तक हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू। थैंक यू। ये खाना खा के सो जाना, हम दोनों बाहर ही हैं। खाना? यस, आपकी खिदमत में सब चीज हाजिर है। जब आप चाहेंगी हम आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाएंगे। चलिए ठीक है। रोहिणी, क्या हुआ बेटा? हाँ, तू ठीक तो है? ऐसे में इतने तेजी से नहीं चला करते, धीरे धीरे चला करो। भाई वो पहली बार है ना, तो हमेशा की तरह मैं खुद ही पानी लेने आई। पानी चाहिए तुझे? ले ले। अब आगे से ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर कुछ चाहिए ना तो मुझे आवाज देना बेटा। लेकिन आई, आप कितनी बार ऊपर नीचे करोगे? खामखा आपको भी परेशानी होगी ना। उसमें क्या है, मुझे कोई परेशानी नहीं ऊपर नीचे करने में। अच्छी हट्टी कट्टी हूं मैं,
अब मुझे अपने पोते पोतियों के पीछे भी भागना है। इतनी जल्दी से थक जाऊंगी तो कैसे चलेगा? लेकिन आई रोहिणी, अब मेरा नहीं, बस अपना ध्यान रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करना बेटा, और कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना।